दो अलहदा जमाते हैं और उनके अपने अपने हर इशू के ऊपर अपने अपने ख्याल हैं। इख्तलाफ राय जो है वो जमहूरियत का हुसन है, इख्तलाफ राय होना चाहिए। और अगर पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का किसी भी सियासी मामले पे इख्तलाफ राय है तो उसे जो है वो इख्तलाफ राय का एक दूसरे को एहतराम करना चाहिए, हमारी दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। इख्तलाफ राय जो है ये ज़रूर होना चाहिए, ये बायस बरकत फेर होंगे, आवाम का फैसला सामने आएगा और जब आवाम उसको मानेंगे तो इस टोले या इस जथे का, जिस जथे ने जो है वो 9 मई बपा किया है, उसके मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं। नवाज शरीफ साहब कब तक आ रहे हैं? देखिए, तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो दी जानी चाहिए, दी जाएगी। हमारी भी, हमारा भी ये मुतालबा है। आज वो लोग मुतालबा कर रहे हैं जो हमें लेवल प्लेइंग फील्ड ना देने की वजह से इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत हुए और मुसल्लत हो गए, जिन्होंने इस मुल्क की तबाही की, जिन्होंने इस मुल्क में नफरत और जो है वो इख्तलाफ राय को दुश्मनी में बदला, जिन्होंने इस मुल्क की सियासत को जो है वो इस कदर तलख किया, इस कदर गुमराही लेके आए कि जिसकी वजह से हमें 9 मई दे। राणा साहब, आम इंतखाबात की डेट के हवाले से जी, आम इंतखाबात जो है, आम इंतखाबात जो है ये कोई मेरी बात नहीं है या गवर्नमेंट की बात नहीं है, ये आइन की बात है। आइन में दर्ज है कि 13 अगस्त को असम्बलियाँ अपनी मुदत पूरी करके जो है वो डिजॉल्व होंगी, गवर्नमेंट्स जाएंगी और केयर टेकर सेटअप आएगा और केयर टेकर सेटअप जो है विद इन 60 डेज जो है वो इलेक्शन करवाएगा। असेंबली मुदत पूरी करेगी या पहले एक दो दिन तोड़ी जाएगी? देखिए, ये फैसला तो खैर प्राइम मिनिस्टर का है, लेकिन मेरी राय ये है कि असेंबली को अपनी मुदत पूरी करनी चाहिए।